मैग्नेट्स के बारे में सीखते हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे N लिखा होता है और साउथ पोल पे S। यहाँ पर साउथ पोल पे एक सफ़ेद रंग की बिंदु बनी है। मेरे पास दो मैग्नेट है बिल्कुल एक जैसी, दोनों में साउथ पोल पे एक बिंदी बनी हुई है। एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करता है। इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है और इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर है। मैंने इस मैग्नेट को होल्ड करा है और दूसरी मैग्नेट को धीरे धीरे इसके पास लेके आ रहा हूँ। जब मैं इसको छोड़ता हूँ तब ये दूर भागती है। इसका मतलब इस मैग्नेट के साउथ पोल ने इस मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करा। एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। ये है इस मैग्नेट का साउथ पोल और ये है इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल। मैंने इस मैग्नेट को पकड़ के रखा है और दूसरी मैग्नेट को धीरे धीरे उसके पास लेके आ रहा हूँ। हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट अपने आप साउथ पोल के पास चली गई। इसका मतलब साउथ पोल ने नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया। मैंने इस मैग्नेट को पलट दिया है और अब इसका नॉर्थ पोल इधर है और इसका नॉर्थ पोल इधर है। देखते हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपल करते हैं या नहीं। अब मैंने इसको होल्ड कराया और धीरे धीरे दूसरी को उसके पास लेके आता हूँ। अरे ये तो दूर भाग गई। इसका मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं। अब देखते हैं इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है या नहीं। मैंने इस मैग्नेट को पकड़ा और दूसरी मैग्नेट को धीरे धीरे इसके पास ला रहा हूँ। हम लोगों ने देखा कि मैग्नेट अपने आप पास आ गई। इसका मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं और साउथ पोल और साउथ पोल रिपेल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी सीखा कि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है।